घर में जेठ भी रहता है, जेठानी भी रहती है, सास ससुर सब रहते हैं। आदर मान सत्कार उसको सबका करना पड़ता है। क्यों? अगर वो नहीं करेगी तो पति गुस्सा हो जाएगा, और पति गुस्सा हो जाएगा तो भैया फिर छुट्टी है, फिर जाओ अपने मायके। ठीक उसी तरह इष्ट एक ही बनाइए, हृदय में स्थान किसी एक को ही दीजिए, लेकिन आदर मान सत्कार आपको सभी देवी देवताओं को करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सब उसी की विभूतियां हैं, सब उसी के राशन कार्ड में ऐड हैं। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, पानी को गर्म कीजिए भाप बन गया, उसी पानी को गर्म कीजिए तो वो तरल बन गया, उसी पानी को आप फ्रिज में रखिए तो बर्फ बन गया, उसी पानी को आप खेत में छोड़िए तो खेत का पानी हो गया, उसी पानी को आप नाले में छोड़िए तो वो गंदगी बन गया। है पानी, तत्व एक ही है, परमात्मा एक ही है, बस किसी को निराकार दिखता है तो किसी को साकार दिखता है, प्रभु एक ही है। और मीरा के जीवन में कौन पधारे बोलो? वो तो दूर की बात है, अभी बहुत दूर है यात्रा। कौन पधारे? योगी। और उस योगी ने ये मत सोचिएगा वो गलत उत्तर दे रही है, वो कम से कम बोल तो रही है, तुम तो बोल भी नहीं रहे हो। वो कहते योगी उनके जीवन में आए तो योगी कहते हैं कि बाबा दादा हुकम, मैं तुम्हारी बिटिया को योग की शिक्षा देना चाहता हूं। और कहते जैसे ही योग की शिक्षा देने लगे तो मीरा को कहा, मीरा अपने नेत्र बंद करो। तो मीरा ने नेत्र बंद करे, और नेत्र बंद करते ही कह रही है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कहते जैसे ही मीरा ने नेत्र बंद किए, जैसे ये प्रकाश है ऐसा तेज पुंज प्रकाश नजर आया, और मीरा हाथ जोड़कर विनती करती है, बोले बाबा मैं अपने नेत्र खोल लूं? बोले हाँ बिटिया खोल लो। बोले क्या हुआ? बोले अंदर बहुत तेज प्रकाश है, मेरे से सहन नहीं हो रहा है। पहले ही दिन जिस मीरा को प्रकाश नजर आ रहा है, बाबा स्तब्ध रह गए कि जन्म जन्मांतर बीत जाते हैं, मैं योगी हूं, मैंने इतने सारे योग किए, साधनाएं की, तप किए, मुझे ये प्रकाश आज तक नजर नहीं आया, और तेरे नेत्र बंद करते तुझे प्रकाश नजर आने लगा। तो मीरा को कहते हैं, ये कोई साधारण बालिका नहीं है। मीरा के दादा हुकम को कहते हैं, बोले दादा हुकम ये कोई साधारण बालिका नहीं है, ये तो तुम्हारे घर में कोई गंगा आई है, और गंगा जहां जहां जाती है, भले वो भूमि अब उपजाऊ ना हो, बंजर हो, लेकिन गंगा अगर वहां चली गई तो वो भी उपजाऊ हो जाएगी। तो कितने मीरा को योग की शिक्षा देनी थी कम से कम 15 दिन, लेकिन 4 दिन में ही शिक्षा पूरी हो गई। क्यों? मीरा कोई इस जन्म की प्यास नहीं लेके आई, पिछले जन्म से ही। और भक्त भक्त बंधनों में बंधा नहीं आता, भक्त तो स्वतंत्र आता है, मुक्त आता है। और मीरा के जीवन में योगी ने योग की शिक्षा दी और आशीर्वाद दिया, बोले बिटिया तू खूब भजन करना, खूब योग करना, और हरी तुझे मिल जाएंगे। और कह के चले गए क्या? वो आशा रख पगली आएंगे, आशा रख, वो आशा रख पगली आएंगे, वो आशा रख पगली आएंगे, वो हरी आएंगे, हरी आएंगे, हरी आएंगे, हरी आएंगे, ओ हरी आएंगे, हरी आएंगे, हरी आएंगे, हरी आएंगे, ओ आशा रख पगली 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 आएंगे, ओ हरी आएंगे, हरी आएंगे, ओ हरी आएंगे, हरी आएंगे, ओ हरी आएंगे, हरी आएंगे, हरी आएंगे, हरी आएंगे।
पगली आएंगे, ओ आशारक पगली आएंगे, ओ आशारक पगली आएंगे, ओ आशारक पगली आएंगे। नंदलाल तेरी मेरी बातें, नंदलाल तेरी मेरी बातें, या मैं जानू या तू जाने, या मैं जानू या तू जाने, ओ या मैं जानू या तू जाने, ओ या मैं जानू या तू जाने। ओ आएगी मिलन की वो रातें, आएगी मिलन की वो रातें, या मैं जानू या तू जाने, या मैं जानू या तू जाने, ओ या मैं जानू या तू जाने, ओ या मैं जानू या तू जाने। मीरा के प्रभु कब रे मिलोगे, मीरा के प्रभु कब रे मिलोगे, मीरा के प्रभु कब रे मिलोगे, मीरा के प्रभु कब रे मिलोगे। और मीरा योग की शिक्षा ग्रहण करने के बाद एक दिन योग करती है, और योग करते 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 कहते मीरा उड़ गई, और जो छत है उस छत में जाके सिर लगा और मीरा नीचे गिर पड़ी। और जैसे ही मीरा कहते नीचे गिरी, 3 दिन तक होश नहीं आया। इतने सारे काढ़े मीरा को पिलाए गए लेकिन मीरा को होश नहीं आया। और कहते जैसे ही होश आया तो मीरा क्या कह रही है, जाओ जिसे जाना हो हिमालय तप करने, ओ जाओ जिसे जाना हो हिमालय तप करने, ओ जाओ जिसे जाना हो हिमालय तप करने, ओ जाओ जिसे जाना हो हिमालय तप करने, जाओ जिसे जाना हो हिमालय तप करने को। चाहो प्यारी गंगा जल धारा हो, जाके गुफाओं में योगासन लगाओ, खूब कर ले प्रयत्न जहाँ जिसका गुजारा हो, कर ले प्रयत्न जहाँ जिसका गुजारा हो, कर ले प्रयत्न जहाँ जिसका गुजारा हो। और धूनी पंचाग्नि जगाए जिसे ताप नहीं हो, होता उद्धार यदि हट योग द्वारा हो। और मीरा कहती है कि मुझे ऐसा योग नहीं चाहिए जिससे मैं अपने गोविंद से दूर हो जाऊं। तो मीरा क्या कह रही है, मैं तो यही चाहती हूँ वृंदावन कुंजन में, मैं तो यही चाहती हूँ वृंदावन कुंजन में, मैं हूँ अकेली और सांवरा हमारा हो, मैं हूँ अकेली और सांवरा हमारा हो। हरि जी मोरे नैन आगे रहियो, हरि जी मोरे नैन आगे रहियो, नाथ मोरे नैन आगे रहियो, नाथ मोरे नैन आगे रहियो, हरि जी मोरे नैन आगे रहियो, हरि जी मोरे नैन आगे रहियो, हरि जी मोरे नाथ मोरे राधे, हरि जी मोरे नैन आगे रहियो, हरि जी मोरे नैन आगे रहियो, नाथ मोरे नैन आगे रहियो, नाथ मोरे नैन आगे रहियो। ओ रुक रुक प्राण कंठ जब आए, रुक रुक प्राण कंठ जब आए, ओ रुक रुक प्राण कंठ जब आए, रुक रुक प्राण कंठ जब आए, तू मोरे सन्मुख रहियो हरि जी मोरे, नाथ मोरे राधे, हरि जी मोरे नैन आगे रहियो, हरि जी मोरे नैन आगे रहियो, नाथ मोरे नैन आगे रहियो, नाथ मोरे नैन
तेरे